हेलो व्रीवान दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ द रिविजन सीरीज ऑफ क्लास ट्वेल्थ पोलिटिकल साइंस इन दिस पार्ट वी आर गोल डिस्कस अबाउट द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंड नाउ ये जो क्वेश्चन है द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दिस बीन आस्ड इन योर सी बी एस ई सैम्पल क्वेश्चन पेपर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर मार्क्स के लिए पूछा हुआ है तो आप ये मान के चलो कि अकॉर्डिंग टू सिक्स मार्क्स आपने कवर करना है Then, उसके बाद टू मार्क्स का एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद का उस पर्टिकुलर टाइम का इंसिडेंट से यू नो रेलिवेंट है तो वो हम डिस्कस करेंगे दैट वॉज बेसिकली राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ओके दूवी ऑनट द फर्स्ट वन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक्सप्लेनेशन नाउ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बेसिकली कब हुआ था सबसे पहले ये याद रखो 1962 जिस तरीके से थ्री इडियट मूवी में थ्री इंपॉर्टेंट हीरोज हैं सेम वे यहां पर भी थ्री इंपॉर्टेंट हीरोज को आपको याद रखना है नंबर वन क्यूबा के पहले क्यूबा के प्रेसिडेंट कौन थे फिडल कैस्ट्रो और यूएसएसआर के प्राइम मिनिस्टर या जिसको हम प्रीमियर भी कहते हैं वो कौन थे बेसिकली यूएसएसआर में प्रीमियर भी यूज किया जाता है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के साथ इक्वेट कर सकते हैं निकिता कुर्चेव देन यू के कौन थे यूएसए के प्रेजिडेंट जॉन एफ कैनेडी अब बेसिकली हुआ क्या था अप्रैल 1961 में यूएसएसआर के लीडर को ये बहुत ज्यादा टेंशन था देवर वरीड कि यूएसए क्यूबा में जो कम्युनिस्ट सरकार फॉर्म हुई है अंडर फिडल कैस्ट्रो उसको वो रिमूव कर देंगे और क्यूबा को इन्वेड कर लेंगे ओके वाई बिकॉज वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार फॉर्म हुई और क्यूबा यूएसएसआर का क्लोज एलाई था क्लोज फ्रेंड था जिसको यूएसएसआर डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था निकिता कुर्चिव जो यूएसएसआर के प्रीमियर जो थे उन्होंने क्या किया क्यूबा को इस यू नो टेंशन से इस वरी से कि यूएसए उसको इन्वेड ना कर ले वहाँ के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिमूव ना कर दे निकिता कुर्चिव उन्होंने क्या किया क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट कर दी नाउ कैसे वहाँ पर बहुत सारे मिसाइल्स को रख दिया और मिसाइल्स रखने से अब क्या हुआ मिसाइल्स कब रखा 1962 में ओके okay? तो मिसाइल्स वहाँ रखने के बाद यूएसए के बहुत सारे सिटीज़ जो हैं अब वो उन मिसाइल्स के रेंज में आ गए जिसके वजह से वो यू नो अगर अटैक करना हो इट विल बी इजी फॉर द यूएसएसआर एस टू अटैक यू एस ए फ्राम क्यूबा और ये चीज़ इन्फॉर्मेशन अमेरिकन को यू एस ए को पता चलता है आफ्टर थ्री वीक्स और थ्री वीक्स के बाद जैसे ही यू एस ए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और उनके एडवाइजर्स को पता चलते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट होते हैं रिलेक्टेंट मीन्स वो अवॉइड करते हैं कि ऐसा कुछ मत करो जिससे फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हो जाए दोनों कंट्री के बीच में ठीक है तो उन्होंने बट उन्होंने ये डिटर्मिन कर लिया था कि हम जो भी मिसाइल्स यूएसएसआर ने यहाँ पर रखा है क्यूबा में उसको हम रिमूव करके रहेंगे ओके और यहाँ पर जॉन एफ कैनेडी ने क्या किया अमेरिकन वॉरशिप्स को ये ऑर्डर दिया कि आप सोवियत के शिप्स जो भी क्यूबा के क्लोज रेंज में आ रहे हैं उनको आप इंटरसेप्ट करो ओके okay? और उन्हें एक तरीके से वार्निंग प्रोवाइड करो यानी कि एक तरीके से आप ब्लॉकेड करना स्टार्ट कर दो इन सी वे के थ्रू भी और इवन एयर वे के थ्रू भी कि वो वहाँ पर यू के जो भी वॉरशिप्स आ रहे हैं उनको एक वार्निंग मिल जाए कि दैट दिस इज नॉट द राइट वे ओके okay? और ऐसे में ये लग रहा था कि दैट यू नो बोध कंट्रीज वर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर कि बस वो वॉर करने वाले इट्स गोइंग टू दे गोइंग टू यूज द न्यूक्लियर वेपन्स और पूरी वर्ल्ड जो होती है वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है वॉट विल हैपन 1962 की बात है इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था उस टाइम पर वर्ल्ड में ये सेनाडियो था ओके okay? और ये भी एक रीजन था कि यूएसए यू एस ए सर सिक्सटी के वॉर में इंडिया के हेल्प uh, में क्यों नहीं आए थे बिकॉज दे वर इन्वॉल्व इन सम अदर वॉर फाइन और पूरा वर्ल्ड जो था ऐसे में बहुत ज्यादा नर्वस था बट अल्टीमेटली हुआ क्या दोनों लीडर्स ने यू you नो know, अपना स्टेप वापस लिया आई मीन दे टू बैक देयर स्टेप और वॉर को अवॉइड किया सोवियत यूनियन की शिप जो थी वो यू नो यहाँ पर आना उन्होंने स्लो कर दिया एंड दे टर्नड बैक तो ये था बेसिकली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ओके तो यहाँ पर आप ये फोटो देख सकते हो दिस इज क्यूबा uh, ये है क्यूबा और यहाँ पर जो मिसाइल्स यूएसएसआर ने यहाँ पर रखा था इसके वजह से बहुत सारे सिटीज ये वाले सिटीज यूएसए के और ये वाले सिटीज देखो ये सारे उस रेंज के अंदर आ गए मिसाइल्स के और यहाँ पर ये देखो ये जो लाइन है ना दुस्मान डॉटेड लाइन ये है क्यूबा के चारों तरफ से यूएसए ने ब्लॉकेड कर दी यहां पर भी मेंशन है यहां पर देखो यूएसए नेवल ब्लॉकेड ऑफ क्यूबा हियर कि यू यूएसएसआर यहां पर अपने वॉरशिप लेके नहीं आ सकता ओके okay? ये ये उस टाइम का एडवर्टाइजमेंट है न्यूज पेपर ब्लॉकेट ब्लॉकेट क्यों किया ताकि यूएसएसआर को एक अल्टीमेटम दे सके कि यहां पर अगर आप आओगे तो वी यू नो इट कैन बी वेरी यू विल फेस वेरी बैड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस ओके नाउ तो ये था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द दंगो क्राइसिस हु प्लेड अ की रोल की मीडिएटिंग रोल 1960s के टाइम के आसपास कॉन्गो में कॉन्गो एक अफ्रीकन कंट्री है वहाँ पर एक क्राइसिस हुआ था बेसिकली सिविल वॉर्स टाइप सिचुएशन हो रहा था तो उसमें इन फोर ऑप्शन में थे ऑप्शन में से किसी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडिंग रोल प्ले किया था मीडिएटिंग रोल वो कौन है ऑप्शंस पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटैम्प्ट ओके द फर्स्ट ऑप्शन यू सेक्रेटरी जनरल

और उसमें इन चार ऑप्शन में से एक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जिसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन भी मिला था इवन आज तक हम उसको यू you नो know, बहुत प्राउड फील करते नाउ आई थिंक यू मस्ट हैव द हिंट ओवर दिस ऑप्शन वन जवाहरलाल नेहरू इंडिया यूएसए या फिर टी टू से या फिर यूएसएस एंड द आंसर इज डेफिनेटली जवाहरलाल नेहरू इंडिया ओके नाउ लेट्स मोर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन राइट अ ब्रीफ नोट ऑन दितांत। नाउ दितांत क्या है आपके बुक में एक्सप्लेनेशन है पर दितांत वर्ड एक्सप्लेटली मैंशनड नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एक्सप्लेनेशन है तो उसका उसे क्या कहते हैं वो भी बताना चाहिए दितांत का मतलब होता है कि एन इम्प्रूवमेंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर कंट्रीज विच हैव बिन अनफ्रेंडली टूवर्ड्स ईच अदर इन द पास्ट कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पहले बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली थे अब उनकी रिलेशनशिप इम्प्रूव हुई है अब थोड़ा सा उन्होंने क्या हुआ वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना स्टार्ट किया यहाँ पर हम कौन सी कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं यू एस ए और यू एस एस आर तो जो कोल्ड वॉर का टेंशन था तो कोल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा पीरियड भी आया कि जहाँ पर वो दोनों कंट्री ने कॉपरेट करना स्टार्ट किया रिलेशन को इम्प्रूव करने की स्टार्ट करी उसी फेज़ को उसी पीरियड को हम कहते हैं दितान्त ओके okay? तो इट्स अ पीरियड ऑफ ईजिंग ऑफ कोल्ड वॉर कि कोल्ड वॉर टेंशन थोड़ा ईज हो रहा था वो जो ज़्यादा इंक्रीज uh, नहीं हो रहा था कौन सा टाइम का पीरियड है ये नाइनटीन सिक्सटीज टू नाइनटीन सेवेंटीज़ का ना हमें कैसे पता चलता है कि वो जो नाइनटीन सिक्सटीज सेवेंटीज़ का टाइम पीरियड है वो ईजिंग ऑफ कोल्ड वॉर है क्योंकि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हुए थे दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो हमें प्रूव कर रहे थे कि हाँ कोल्ड वॉर टेंशन थोड़ा सा ईज हो गया दितान का टाइम आ गया इम्प्रूव रिलेशन का टाइम आ गया वो क्या था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड का जो अगर हम देखें वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ दोनों कंट्रीज ने कॉपरेट करना स्टार्ट किया और टेंशन जो है वो रिड्यूस करने के ऊपर काम किया और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ एग्रीमेंट्स उन्होंने करना स्टार्ट किया इन ऑर्डर टू रिड्यूस दी न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर डिसआर्मेंट के ऊपर एक तरीके से कुछ एग्रीमेंट्स कुछ ट्रीटीज इनके साइन हुए थे जो ये मैं शो करता है कि दैट नो इट्स अ कूलिंग डाउन पीरियड एक दितान का टाइम आ गया ना वो एग्रीमेंट्स कौन से थे जैसे लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी एल ये एग्रीमेंट था न न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी जिसको हम शॉर्ट में एन पी टी भी कहते हैं जिसको इंडिया ने साइन नहीं किया ऑन दी ग्राउंड कि उसमें डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है एन एन पी टी को देन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी तो ये तीन ट्रीटीज़ के नेम याद रखना कि जो यू नो स्टार्टिंग विद नाइनटीन सिक्सटीज के टाइम पर दोनों कंट्रीज़ ने साइन किया था ताकि न्यूक्लियर वेपन्स को रिड्यूस कर सके नंबर वन आई रिपीट Limited Test Ban Treaty, then Nuclear Non Proliferation Treaty, then Anti Ballistic Missile Treaty. Okay? That's it in this part. You can download this PDF from my Telegram channel. Thank you for watching this video.